नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहेगी। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि उसे जेल से रिहा किया जाए। इससे पहले तिहाड़ जेल के अधीक्षक के पास भी एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं मिला, तो चौटाला की ओर से अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला की अर्जी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार से विचार करने को कहा है। ऐसे में क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के कहे अनुसार सजा माफी की अर्जी पर 4 हफ्ते में अपनी बात रखनी है? लेकिन क्या केजरीवाल सरकार सजा माफी के लिए लिखेगी? दरअसल जो सरकार जिन चुनाव के पास चौटाला की फरलो को कैंसिल कर सकती है, ऐसे में इनेलो परिवार को केजरीवाल से उम्मीद कम ही है। और इसी के साथ देखिए पल पल की है खास रिपोर्ट। चौटाला साहब को तो पैरोल दी जाती है तो उसके अंदर ये कंडीशन लगाई जाती है, और हरियाणा उसे दिल्ली तिहाड़ जेल के अन्य किसी कैदी को जो पैरोल मिलती है उस पर कोई कंडीशन नहीं होती। अजय सिंह उनसे पहले 14 दिन की पैरोल पे आया था, जिसने जींद के अंदर उपचुनाव में सारे गांवों का दौरा करके सारे गांवों में राजनीतिक तौर पे अपनी बात कह करके गया। और चौटाला साहब को पैरोल दे करके ये शर्त रखी पहले 17 तारीख को और फिर दोबारा 19 तारीख को एक और चिट्ठी जेल प्रशासन की तरफ से दी गई, उसके अंदर फिर ये शर्त लगा दी गई कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लोगे।